बस तुम लोग ना साथ रहना मेरे हमेशा, जैसा की तरह छोड़ के ना चले जाना। हम एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं। तो पता है ये कमरा मेरा था, चचा और अब्बा के कमरे नीचे थे और मिनाहिल ने जिस कमरे पे कब्जा किया वो तुम्हारा था। और सखर जाने से पहले ना मैं तो बिल्कुल ही परेशान हो गया था, जाके मैं तुम्हारे कमरे में छुप गया था। मैंने कहा मैंने बिल्कुल भी नहीं जाना। वो अब्बा आए फिर उन्होंने मुझे समझाया कि वहां जाके नए दोस्त बनेंगे। और ये अब्बा की तस्वीर, कब्जा कर लिया तुमने इस पे? हाँ मेरे पास रहेगी ये और मेरे साथ जाएगी। सब ले जाइएगा, हमारे लिए कुछ ना छोड़िएगा। पता भी है किस बारे में बात हो रही है? बाबा की तस्वीर। भाई इसकी कॉपीज करवा लेते हैं ना, इतनी कम तस्वीरें क्यों है बाबा की? पता नहीं क्यों बाबा हमेशा से बड़े अनकंफर्टेबल होते थे तस्वीर खिंचवाते हुए। आई डोंट नो, मैं खुद हैरान होता था क्यों होते हैं। मुझे भी बिला वजह तस्वीरें खिंचवाना अच्छा नहीं लगता, और ये हर वक्त पिक्चर्स लेती रहती है। अच्छा हम सब ने बाबा की कोई ना कोई आदत है, जैसे तुम हंसती उनकी तरह हो और तुम कम बोलती हो। और मैं, मेरे बारे में बताओ। आप बिल्कुल बाबा जैसे, जैसे उनका साया। बाबा की तरह तो हम बड़ा भी हो गया ना, और जिम्मेदार होने की कोशिश कर रहा हूँ। बस तुम लोग ना साथ रहना मेरे हमेशा, जैसा की तरह छोड़ के ना चले जाना। हम एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं। अरे आप लोगों को क्या हो गया? सो बाबा की बहुत याद आ रही थी आज। ऐसे लगता है जैसे यहाँ उनकी खुशबू बसी हुई है। बस थोड़े से इमोशनल हो गए थे, और तो कुछ नहीं हुआ है ना। मैंने अपने बाबा को तो नहीं देखा है, लेकिन बाबा जाने मुझे अपनी बेटी कहां करती थी। मैं उनसे कहती थी कि बेटियां शादी करके अपने बाप का घर छोड़कर जाती है, मैं तो शादी करके अपने बाप के घर आ गई। अब आप खुद रोने लग गई। समीर वो हमारे कमरे में कोई लाइट नहीं है, शाम होने वाली है, कोई बल्ब लगा दे। कितना काम रह गया है? अभी तो बहुत काम पड़ा है। तो उठाओ झाड़ू और शुरू हो जाओ।